आज हम लोग आयतन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन देखिए, हम लोग सारे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक बेलन एवं एक शंकु का आयतन बराबर है। तो क्या बोल रहा है, एक बेलन है और एक शंकु है, ये दोनों का आयतन बराबर है। पहले देखिए बेलन किसे बोलते हैं, तो बेलन मतलब कुछ इस तरीके का शेप होगा। इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलते हैं। तो बेलन इस तरीके का होगा, शंकु इस तरीके का होगा, ये शंकु हो गया, ठीक। तो बोल रहा है एक बेलन और एक शंकु का आयतन बराबर है। तो बेलन का आयतन क्या होगा हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला हम लोगों को याद रहना चाहिए। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे देखिए हम दूसरा आर लिखे, मतलब यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखे, यहाँ पे स्मॉल में लिखे। ये इसलिए लिखे क्योंकि दोनों का आर अलग अलग होगा। आर कहने का मतलब है इसका त्रिज्या जो है, रेडियस जो है, अलग होगा और इसका रेडियस अलग होगा। उस तरीके से इसका ऊंचाई भी अलग होगा और इसका ऊंचाई भी अलग होगा, इसीलिए थोड़ा सा अलग लिखे हैं। तो बोला गया था एक बेलन और एक शंकु का आयतन बराबर है। तो बेलन का आयतन ये हो गया और शंकु का आयतन ये हो गया, और बोला है बराबर है, तो यहाँ पे बराबर का साइन दे देना है हम लोगों को। बोल रहा है उसके बाद, तथा उनके आधार की त्रिज्या 2:1 है। तो त्रिज्या कितना है, इसका 2 दिया गया है, ठीक है। बेलन का पहले बोला गया था, इसलिए बेलन वाला पहले होगा और शंकु वाला उसके बाद वाला। तो बेलन का कितना होगा, 2 हो जाएगा उसका रेडियस। तो बेलन ये है, इसका रेडियस कितना है, 2। तो पाई है तो पाई को रहने देते हैं, और रेडियस की जगह पे 2 हम लोग लिखेंगे। तो 2 का देखिए स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्टली हम लोग 4 लिख सकते हैं, ठीक है। आर का वैल्यू हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर इंटू में एच है तो ऐसे लिख देंगे, फिर इक्वल टू 1/3 पाई इंटू में देखिए आर, इसका आर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू एच, ये है। अब बोला गया है बतलाइए उनकी ऊंचाई में क्या अनुपात है, ऊंचाई का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, एच है और इस एच को हम लोग इधर लेके आएंगे। तो इक्वल टू के देखिए इस पार ये आ रहा है, इक्वल टू के इस पार आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। उसके बाद देखिए ये सब हम लोग काट सकते हैं, जो जो कटेगा काट देते हैं, और तो नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1/3 था ही और ये 1 था, यही था, यहाँ पे उतार दिए इसको। अब ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किस पार आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। फिर एच बाई एच इज इक्वल टू क्या होगा, 1 1 जा 1 और 3 4 जा 12। तो अनुपात पूछा गया है, तो 1/12 का मतलब क्या होता है, 1:12, इसी को तो हम लोग अनुपात में लिख सकते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1:12, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया गया दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल इतना का अनुपात है। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों को पता रहना चाहिए। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है 4πr², ठीक है। और दो को गोला है तो 2 बार लिखेंगे, और उसका अनुपात में दिया गया है 1:9, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 4πr². अब दोनों दो को गोला है तो दोनों का रेडियस कुछ अलग हो सकता है, इसीलिए आर यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखे और यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखे। अनुपात बोला गया है इसीलिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/9, ठीक है। 1:9 को 1/9 हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए 4π ये कट जाएगा और ये r/r इज इक्वल टू हम लोग का निकल के आ जाएगा 1/9, इधर रहने देते हैं। इधर स्क्वायर को अगर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हटाने से रूट चढ़ जाता है। तो r/r इज इक्वल टू क्या होगा, 1 को अगर रूट से निकालेंगे तो 1, और √9 मतलब क्या, 3 हो जाएगा। तो देखिए दोनों r का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया। तो यहाँ पे बोला गया था उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो अब इसका आयतन का फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए। तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। अनुपात बोला गया तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए इसका भी आयतन का क्या होगा, 4/3πr³। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो ये देखिए कट जाएगा, 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, और आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया गया है, हम लोग निकाले अभी, आर का वैल्यू 1 आया यहाँ पे, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, ठीक है, 1 का क्यूब हो जाएगा ये। फिर अनुपात में ये आर का वैल्यू देखिए 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 3 का क्यूब 9 हो जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूज मत करिए कि इसको हम लोग अनुपात में बोला गया था तो बटा के फॉर्म में लिखे और इसको नहीं लिखे, हम लोग चाहते तो इसको भी लिख सकते थे, या फिर इसको भी चाहते तो हम लोग ऐसे लिख के भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को कोशिश करिएगा कि आप लोग खुद से सॉल्व करें।
ही ज्यादातर आप लोग सीख सकिएगा। क्वेश्चन पहले देख लीजिए एक बार, सारा पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया वो सब खुद से ट्राई करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 तो देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, मतलब यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, इसमें दिया गया है एक आयताकार चादर, तो आयताकार चादर मतलब एक आयत बना लेंगे हम लोग, तो आयत इस तरीके से बनता है। तो एक आयताकार चादर जिसकी भुजाएं 22 मीटर और 15 मीटर है, तो 22 मीटर कौन वाला होगा, इसका लंबाई वाला होगा 22 मीटर, और चौड़ाई कितना होगा 15 मीटर, क्योंकि चौड़ाई हमेशा कम होता है लंबाई से, ठीक है। तो लंबाई ये हो जाएगा और ये चौड़ाई हो जाएगा। अब बोल रहा है तथा इसे आयताकार चादर के रूप, आयताकार चादर को बेलन के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है, इसको बेलन बनाया जाता है, मोड़कर बेलन बनाया जाता है। तो इसको देखिए कैसे मोड़ा जा रहा है, तो ये आयताकार चादर है, इसको बोल रहा है मोड़ के बेलन बनाया जाता है। तो बेलन कुछ इस तरीके से बनेगा, बेलन इस तरीके से बनेगा, इसको मोड़ के अगर बेलन बना देंगे तो ये बेलन बन जाएगा। तो बोल रहा है इस आयत की छोटी भुजा, इस आयत की छोटी भुजा क्या है, ये वाला है चौड़ाई, इस आयत की छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई हो, तो बेलन का क्या होगा, ये ऊंचाई हो। कहने का मतलब है देखिए ये आयत है, ठीक है, ये आयत का शेप का ही है, ये आयत का शेप का है, इसको बोल रहा है ये बेलन का जो छोटी भुजा है, ये वाला छोटी भुजा है, और ये लंबा वाला क्या है, उसका लंबाई, तो छोटी भुजा ये है। अब बोल रहा है इसको मोड़ के, ठीक है, छोटी भुजा बेलन की ऊंचाई हो, तो ये वाला अगर ऊंचाई हो तो बेलन, इसको मोड़ के बेलन अगर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, मोड़ के अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बेलन बन जाएगा, एकदम लास्ट वाला पॉइंट को सटाना है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बेलन बनेगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये वाला ऊंचाई हो जाएगा इसका। तो हम लोग लिख सकते हैं बेलन में देखिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक इसको रेडियस बोलते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसी को मोड़ के ऊंचाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15, देखिए 15 है, इसी को तो ऐसे मोड़े, तो ये क्या हो जा रहा है, इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसको ऊंचाई ही ना बोलेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 15, ठीक, ये 15 हो गया। अब देखिए रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए चादर को मोड़े हम लोग, ऐसे मोड़ दिए, तो ऐसे मोड़ेंगे तो नीचे वाला क्या हो रहा है, तो नीचे में देखिए एक सिलेंडर बन रहा है, ठीक है, सिलेंडर बोल रहे हैं, नीचे में एक सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो मतलब इसको जब मोड़ेंगे हम लोग पूरा, ठीक, तो ये क्या होगा, ये पूरा सर्कल का निकल के आ जाएगा, मतलब ये पूरा वाला वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा, इसको मोड़ रहे हैं तो यही वाला हो रहा है ना, तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग का, मतलब ये वाला पूरा का वैल्यू 22 है, तो इस पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक, तो इस पूरा को हम लोग परिमाप बोलते हैं। इसमें देखिएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्कल में मैंने ये पूरा बताया है, ठीक है, किसको परिमाप बोलते हैं किसको नहीं बोलते हैं, तो ये पूरा को क्या बोलेंगे, या तो परिमाप बोलिए या फिर परिमिति बोलिए, ठीक, तो ये परिमिति हो गया। तो परिमिति का क्या फॉर्मूला होता है, ब्रीथ है ये, तो ब्रीथ का परिमिति का क्या होता है, 2πr होता है, और वही दिया गया है, इसी को ना मोड़ें, तो ये जितना लंबा होगा उसी को मोड़ के इतना बड़ा किए, तो ये ब्रीथ का परिमिति का क्या होता है, 2πr होता है, और उसी का वैल्यू दिया गया है 22 मीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं ब्रीथ का परिमिति 22 बराबर 2πr। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस r का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो ईजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए 22 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 और पाई हो जाएगा, पाई का मान क्या होता है, 22/7 इक्वल टू आर। अब देखिए ये 7 ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा 22/2, और ये 22 रहने देते हैं और इसको ऊपर करते हैं तो 7 ऊपर में चल जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो हम लोग का बचा क्या, 7/2 इज इक्वल टू आर, यही ना हम लोग का बचा 7/2। तो आर का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया 7/2, और सब मीटर में है, ये मीटर में था तो ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर है तो ये भी मीटर में होगा, तो इतना निकल के आ गया आर का वैल्यू। तो यहाँ पूछा क्या गया है वो देखिए, तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा, तो ये जो बेलन बना इसका आयतन पूछा गया है, तो बेलन का आयतन का हम लोग को फॉर्मूला पता रहना चाहिए, तो इस बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7 इंटू आर, ठीक है, तो आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाले अभी हम लोग 7/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2, ये स्क्वायर में है इसीलिए दो बार लिख दिए, ठीक, इंटू एच, एच तो दिया गया था हम लोग का 15, ठीक, तो एच हो जाएगा 15। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो इसको पूरा देखिए 7/7 कट जाएगा, 2 का टेबल में ये 11 बार में, अब इसको देखिए 11/7 हो जाएगा 77/15/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो जब मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आएगा 577.5,
और ये सब मीटर में था तो ये क्या आएगा, मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा क्या आता है, ये क्या है, आयतन का फॉर्मूला है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, तो सब मीटर में दिया गया था वैल्यू, इसलिए मीटर क्यूब में आएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन को अगर समझ लीजिएगा तो यही वाला क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में करीबन 1 मिनट के अंदर में बन जाएगा, ठीक। और ट्रिक का चक्कर में सिर्फ रहिएगा तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को अलग अलग ट्रिक याद करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे कि फॉर्मूला बेस्ड ही बनाइए, और सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लोग सिर्फ फॉर्मूला को पुट करके बना सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें मिस प्रिंट हुआ है, 18 के बाद 19 नहीं दिया गया, डायरेक्टली 20 यहाँ प्रिंट कर दिया है। तो देखिए इसमें दिया गया है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 150 गोलियों को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो देखिए गोला कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का शेप होगा गोला का, ठीक। तो इसको बोल रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोली है, तो 9 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका त्रिज्या मतलब क्या, ये आर और ये क्या है 9 सेंटीमीटर दिया गया है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 150 गोली को पिघलाएंगे, ठीक है, पिघला कर एक बड़ा गोला बना रहे हैं, तो ऐसा ऐसा के गो है 150 गो है, मतलब ऐसे 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 करके 150 गो है, इसको पिघलाएंगे, तो पिघलाने के लिए क्या लेंगे, एगो बर्तन रहना चाहिए, तो एगो ऐसे बर्तन रहेगा, मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें क्या है 150 गो ऐसे ऐसे करके गोली को डालेंगे। तो देखिए ये सड़ जा रहा है, ऐसे नहीं होगा, मतलब इसमें 150 को गोली ऐसे करके डालेंगे, और सबका क्या है रेडियस दिया गया है 9 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सब गोली को हम लोग पिघलाएंगे, ठीक, तो 150 से मान लीजिए यहाँ पे 150 को गोल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, करेंगे गोल अगर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोगों को सिर्फ समझने से मतलब है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे 150 को गोली है, अब इसको पिघलाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हीट दिए, अब ये क्या होगा पिघलेगा, तो पिघलेगा तो इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये पिघलने के बाद उतना ही रहेगा, फिर इसका भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा, कि मतलब क्या है, ये सबको पिघलाएंगे तो टोटल का एक वॉल्यूम आएगा, टोटल का एक वॉल्यूम आएगा, और उसको क्या करेंगे पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बना देंगे, इतना बड़ा, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, मतलब ये पिघलने के बाद जितना मटेरियल रहा, ठीक, उसी से ना हम लोग गोला बनाएंगे, तो कहने का मतलब है इसका जितना आयतन है उसका, इस गोले का आयतन भी उतना ही होगा, आयतन का मतलब वही होता है कि मान लीजिए ये वाला पिघलाएं तो हम लोग जितना हुआ उसी से हम लोग बना रहे हैं, और ये भी उतना ही होगा, एक्स्ट्रा तो नहीं हो जाएगा और ना ही घट जाएगा, ठीक है, इस जितना मटेरियल है उसी से ये बना, तो इसका जितना आयतन होगा, मतलब 150 को गोली का जितना आयतन होगा, ये एक गोले का आयतन बराबर होगा इसका, ठीक है, मतलब उसी से तो एक गोला बना रहे हैं, मतलब 150 गोली का आयतन और एक गोला का आयतन बराबर होगा, तो गोला का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों बराबर होगा, तो ये क्या होगा, गोला का आयतन का हम लोग को फॉर्मूला पता रहना चाहिए, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 π r³ होता है, और यहाँ पे हम कैपिटल R इसीलिए लिखे क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, और ये बराबर होगा किसका, इस गोले का आयतन का, मतलब 150 गोले का आयतन का ये अकेले बराबर होगा, तो इसका आयतन इतना है, और ये बराबर किसका होगा 150 गोले का, तो एक गोले का क्या होगा आयतन 4/3 π r³ एक गोले का होगा, एक गोले का आयतन 4/3 π r³ इसका, और ऐसा ऐसा 150 गो है तो मल्टीप्लाई 150 कर देंगे, मतलब समझिए, मान लीजिए कि एक गो, ठीक है, एक गो कुछ भी है, मान लीजिए एक गो कलम का दाम अगर 10 रुपया है, तो 150 कलम का दाम क्या होगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा 150 से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं समझे, और अच्छे से समझिए, मान लीजिए एक गो कलम का दाम अगर 2 रुपया है, तो 150 मतलब 10 गो कलम का दाम क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब ना आएगा, तो उसी तरीके से एक गो का आयतन इतना है, तो 150 का आयतन कितना होगा 150 से मल्टीप्लाई, इतना तक क्लियर है, तो ये टोटल का आयतन निकल गया, और इसी को पिघला के एक गो बनाएंगे, तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 π r³, और दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा, और क्यों बराबर होगा ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जितना है इसको पिघला के ये बनाएं तो इस ये भी उतना ही बड़ा होगा जितना ये सब को मिला के होगा, ठीक है, तो बस अब वैल्यू पुट करना है और निकाल देना है। तो क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया था, देखिए, तो इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, मतलब ये जो त्रिज्या ये बड़ा बड़ा गोला हुआ इसका रेडियस पूछा गया है, ये आर निकालने बोला गया है, तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग पहले काट लेते हैं, तो ये 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, अब आर नहीं काट देंगे क्योंकि इसका रेडियस अलग होगा और ये छोटा है तो इसका रेडियस कम होगा, तो ये r³ रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा हम लोग का, r³ × 150, तो r³ = होगा, ये छोटा वाला आर का वैल्यू हम लोग को दिया गया था क्वेश्चन में, कितना दिया गया था, देखिए इसका त्रिज्या क्या इतना है 9 सेंटीमीटर है, तो सबका 9 9 सेंटीमीटर करके ही होगा, तो इसका 9 अगर सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसका क्यूब दिया गया है, तो 9³ कर देंगे × 150। अब देखिए आर लिखते हैं और ये क्यूब को हटाएंगे तो इधर क्यूबिक रूट चढ़ेगा,
और बचेगा 9³ × 150। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का, देखिए r इज इक्वल टू 9 का क्यूब है और यहाँ पे क्यूबिक रूट है तो 9 तो निकल के आ जाएगा। क्यूबिक रूट मतलब ये होता है कि तीन गो में से एक वो निकलता है, तो 9 का क्यूब मतलब क्या, 9 तीन गो है उसमें से एक वो निकल गया, और 150 देखिए एक ही गो है तो ये निकलेगा नहीं, ये क्यूबिक रूट में रह जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, एग्जाम में हम लोग को कैलकुलेटर तो नहीं दिया जाएगा, 150 का क्यूबिक रूट निकालना तो लगभग लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा एग्जाम में, तो हम लोग क्या करना है इसका करीब का देख लेंगे, किसी का क्यूब का करीब का है ये, तो ये 9 तो रह जाएगा और मल्टीप्लाई में ये देखिए 150 जो है ये 5 का क्यूब अगर करते हैं तो 125 हो रहा है, और 6 का क्यूब जब करेंगे तो 216 हो रहा है, मतलब 6 का क्यूब कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसे थोड़ा कम वाला ले लेते हैं 125, ये 150 है ठीक है, तो 125 इसका करीब करीब है, तो ये 5 का क्यूब का अंडर में आ जाता है, तो मतलब हम मान सकते हैं ये 5 का क्यूब हम सोच ले रहे हैं ठीक है, एक्चुअल में ये होगा नहीं ठीक, तो लगभग में हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो ये 5 का क्यूब की जगह पे हम लोग यहाँ इसका मतलब यहाँ मान लेते हैं 125 ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 5 निकल के आ जाएगा, तो 95 जो हो जाएगा 45, और ये आंसर क्या आएगा लगभग में आएगा। इस जगह हम लोग एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, एक्यूरेट निकालने के लिए 150 का क्यूबिक रूट आपको निकालना पड़ेगा, और लिख के भी निकाल सकते हैं क्यूबिक रूट, लेकिन उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जब ऐसा दिया जाए ठीक है, तो इसका करीब वाला क्यूबिक रूट हम लोग देखेंगे, तो इसका करीब में क्या है 5 का क्यूब है, और उसका करीब क्या हो जाएगा 5 लिख दिए इसका, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 45, तो आंसर देखिए कुछ इसी तरीके का है, आंसर दिया गया 47.80, ये एग्जैक्ट वैल्यू लिया गया है तभी ये वाला आंसर दिया गया है ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 45, यही वाला आंसर होगा, लेकिन यही करीब में है हम लोगों का, कितना है 45, तो इसकी करीब है, हम लोग ऑप्शन देख के आराम से इसको मार सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और ये सब क्वेश्चन अब प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछा जा चुका है, अब हम लोग यही सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है एक कोणीय टेंट है ठीक, की ऊंचाई 9 मीटर है, तो कोणीय टेंट मतलब क्या, एक कोणीय टेंट इस तरीके का बनेगा, शंकु के जैसा बनेगा, यहाँ पे क्लियरली शंकु नहीं बोला गया है, आप लोगों को खुद समझना होगा, कोणीय टेंट मतलब इस तरीके का एक टेंट बनेगा, और बोला गया है उसके आधार की त्रिज्या, देखिए यहाँ पे आधार क्या बोला गया, त्रिज्या दिया गया, इसका मतलब क्या, ये वृत्त का टाइप का होगा ठीक, तो ये इस तरीके का बन गया कोण ठीक है, शंकु बन गया, कोणीय टेंट मतलब क्या, शंकु आकार ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया गया है, कोणीय टेंट मतलब क्या, शंकुआकार एक टेंट है, तंबू है, कि ऊंचाई दिया गया 9 मीटर, तो देखिए इस तरीके का फिगर बनेगा, ये होता है रेडियस, ये होता है ऊंचाई, और ये होता है इसका तिर्यक ऊंचाई, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ये होता है तिर्यक ऊंचाई, लिख के रख लीजिएगा। तो बोल रहा है इसकी ऊंचाई दिया गया है, टेंट की ऊंचाई 9 मीटर है, तो ये सिर्फ ऊंचाई बोला गया मतलब ये वाला है, अगर तिर्यक ऊंचाई बोलता तो ये वाला होता, तो ये दिया गया है 9 मीटर, तो इस जगह पे हम लोग 9 लिख सकते हैं, या फिर साइड में हम लोग लिख लेते हैं, आज बराबर 9 दिया गया हम लोगों को, यहाँ पे 9 है ठीक है, इसका वैल्यू 9 है, और दिया गया आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है, ये वाला कितना है 12 मीटर है, तो आर का वैल्यू 12 मीटर दिया गया है, यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो बोल रहा है 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास लगाने का कुल खर्च क्या है। अब कैनवास समझिए, जो तंबू बनाने का कपड़ा होता है उसी को हम लोग कैनवास बोलते हैं ठीक है, तो इसमें तंबू बनाएंगे हम, तो तंबू बनाइएगा तो देखिए ये तो फ्लोर हो गया, इसमें तो हम लोग को कपड़ा देने का कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है, कपड़ा देने का ज़रूरत नीचे में तो कोई होगा नहीं, तो कपड़ा हम लोग कहाँ पे देंगे, इसी पार्ट पे हम लोग देंगे ठीक है। तो देखिए पेन का जो ये वाला पार्ट है ये भी कुछ शंकु के जैसा ही है, इसी के जैसा है, तो नीचे में हम लोग नहीं देंगे, तो कपड़ा हम लोग ये वाला पार्ट में देंगे, ये वाला पार्ट में देंगे पूरा, तो ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं ठीक। तो हम लोग क्या निकालना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि कपड़ा जो मिलता है वर्ग मीटर इस टाइप में मिलता है, 1 मीटर 2 मीटर इस टाइप से कपड़ा हम लोग को मिलता है, तो कपड़ा जब हम लोग खरीदेंगे तो क्या होगा, इसका हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना होगा कि कितना बड़ा कपड़ा चाहिए, तो कितना बड़ा से मतलब क्या है कि उसका हम लोगों को क्षेत्रफल पता रहना चाहिए, जैसे बोलते हैं कितना बड़ा जगह है तो उसका मतलब क्या, उस जगह का क्षेत्रफल कितना है ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो इस जगह का हम लोगों को मतलब ये वाला जो यहाँ पे टेंट बनाने के लिए कैनवास लगाएंगे इस जगह में, तो ये क्या हो रहा है, वक्र हो रहा है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना होगा, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों को पता रहना चाहिए ठीक, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो ये क्या बना, शंकु बना, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये याद रखना है। तो अब आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7 × r, r का वैल्यू दिया गया 12 × l,
ये वाला एल है, तो देखिए एल का वैल्यू दिया नहीं गया है, ये हम लोग खुद से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ये जो फिगर बना इसको हम लोग थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, मतलब ये वाला पार्ट को साइड में लिख लेते हैं। तो ये वाला है और ये वाला कितना दिया गया है 9, तो ये वाला 9 और ये 12 है, ठीक। तो ये वाला वैल्यू जो है एल है, तो ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के। तो इस वाला वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे रूट दे देंगे, तो इसका वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इसका वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 9 का स्क्वायर 81। अब इसको देखिए ऐड करिए, 4 और 1 5 और 4 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, मतलब 225 हुआ। इसको निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक। इस चीज़ को हम अभी और अच्छा से डीपली डिस्कस करेंगे कि ये कैसे निकालेंगे पाइथागोरस। अभी इतना समझिए कि इसको हम लोग ऐसे सॉल्व किए, 15 आया, अब एल के जगह पे हम लोग 15 लिख देंगे। अब ये सब को जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा 565.71। अब ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो सब देखिए मीटर में दिया गया था, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा था 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास लगाने का खर्चा, मतलब कैनवास मतलब वही कपड़ा लगाने का खर्चा। तो 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर, मतलब प्रति वर्ग मीटर का मतलब होता है एक वर्ग मीटर, ठीक है, एक वर्ग मीटर में 10 रुपया खर्चा हो रहा है, तो इतना का कितना खर्चा होगा, ठीक है। चीज को अच्छे से समझिए, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि एक गो अगर कलम का दाम 2 रुपया है, ठीक है, तो 5 गो कलम का दाम क्या होगा, तो क्या करेंगे, 5 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट वही करना है। एक गो का दाम हम लोग को पता है 10, ठीक है, एक वर्ग मीटर का पता है 10, हम लोग क्या पता है, एक वर्ग मीटर का पता है 10, तो इतना वर्ग मीटर का क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 565.71 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करना भी इजी है, इसको पूरा वैल्यू को लिख लेना है। अब देखेंगे 2 गो के बाद पॉइंट है और 1 गो 0 दे देंगे, इतना हो जाएगा, तो 2 गो के बाद पॉइंट, तो 1 गो के बाद पॉइंट, तो इतना रुपया हो जाएगा, इतना हम लोगों का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आंसर आया। अब इस चीज़ को समझिए कि ये वाला कैसे हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस। तो देखिए ये वाला वैल्यू कुछ इस तरीके से फिगर बना था, ठीक है, ट्रायंगल बना था। तो ट्रायंगल जब बनता है और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तभी पाइथागोरस लगता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था। तो अब देखिए इसमें पाइथागोरस कैसे लगता है, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला दागी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। तो मतलब ये 3 गो जो भुजा है, 3 ओर से घिरा हुआ है और इसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है, 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्रफल को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तो अब इसको समझिए कि ये वाला और ये वाला जो 2 गो दागी दिया गया है, ठीक है, मतलब ये 2 गो भुजा जो है, ये भुजा से हमेशा छोटा होगा, ये दोनों छोटा होता है इससे, तो ये वाला क्या होगा, ये दोनों से बड़ा होता है। तो बड़ा वाला हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों छोटा को जोड़ देंगे तबे ना बड़ा बनेगा। तो ये वाला दिया गया था 9 और ये 12, तो ये क्या किया हम लोग, जोड़ दिए तो बड़ा होगा, छोटा 2 को जोड़ेंगे तो एक बड़ा वाला निकलेगा, ठीक है। तो देखिए जोड़ दिए, अब कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करना है और रूट चढ़ाना है। अब इसको सॉल्व तो हम लोग कर सकते हैं, निकल के आ जाएगा आंसर। अब वही देखिए, अगर ऐसे दिया हुआ रहे, ठीक है, अगर वैल्यू इसका दिया गया और इसका दिया गया और इसका अगर हम लोग को निकालना रहे, ठीक है, इसका हम लोग को निकालना रहे, एक्स लिख देते हैं, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए बड़ा वाला दिया गया है तो छोटा वाला निकालना है, छोटा वाला जब निकालेंगे तो माइनस करेंगे, मतलब 5 से 3 को माइनस कर देंगे, और करना वही है, स्क्वायर करना है और रूट देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का जो भी निकलेगा, जैसे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, फिर माइनस है तो -3 का स्क्वायर 9, अब इससे घटाएंगे तो 16, इसको निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर ऐसा दे दिया जाए, ये वाला वैल्यू दे दिए और ये वाला, तो ये वाला कैसे निकालेंगे, तो उसी तरीके से देखिए ये दोनों तो छोटा होता है, ठीक है, तो ये क्या निकालना है, छोटा वाला निकालना है। तो छोटा वाला निकालते हैं तो छोटा क्या होता है, माइनस, तो 5 है और -4, जब बड़ा निकालते हैं तो प्लस, बड़ा ये वाला निकाले तो ये बड़ा बड़ा था तो इसलिए प्लस किए थे, और ये छोटा वाला निकाले इसलिए माइनस, और यहाँ पे भी देखिए छोटा है इसलिए माइनस, तो यहाँ माइनस किए और स्क्वायर देना है और रूट देना है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का यहाँ वाला निकल के आ जाएगा। तो पाइथागोरस वाला समझ में आ गया कैसे निकालना है। तो आज का जो वीडियो है यहीं तक रहने देते, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आगे का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जिसको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।